इस वाली वीडियो दे विच आपां क्लास 8वीं चैप्टर अपना 6वां चलदा पिया कण अते कण मूल इस दी आपां अभ्यास 6.1 आ जो उह पिछली वीडियो दे विच डिस्कस कर ली सी। तो इस वीडियो दे विच आपां इस अध्याय दे जो 6.2 आ अभ्यास उहनूं डिस्कस करना हैगा। तो तुहाडी किताब दे उपर वी तुसीं देख्या होणा कि अपने कोल 6.2 दे मेनली तीन सवाल आ। एक तो हैगा कि हेठ लिखिया संख्यावां नूं क्रमवार टांक प्रकृतिक संख्यावां दे जोड़ दे रूप दे विच लिखना। दूजा अपना हैगा कि हेठ दित्तियां दा ढुकवें पैटर्न अनुसार मुल पता करना वी आपां दो घण वालियां संख्यावां इन्हां दी घटाओ दसनी है वी किन्नी होगी। तीजा हैगा कि हेठ लिखिया विचों आपां दसना चारां दे विचों वी किहड़ियां संख्यावां पूर्ण घण हैगियां जां नहीं हैगियां। तो ये सवाल करन तो पहला आपां कंसैप्ट कर लईए भी किवें आपां कंसैप्ट पता होने चाहिए आ। जे तुहानूं कंसैप्ट क्लीयर हो गए तो ये क्वेश्चन जिहड़े तुसीं अपने आप भी खुद कर सकते हो। तो सब तो पहला अपना जिहड़ा कंसैप्ट आ 6.2 दे लई ओह हैगा अपने कोले कि कोई भी अपने कोले पूर्ण घण संख्या उहनूं आपां की लिखना होवे क्रमवार टांक प्रकृतिक संख्यावां दा जोड़ प्रकृतिक संख्यावां दा जोड़। तो इसका मतलब की आ प्रकृतिक संख्यावां दा जोड़ टांक प्रकृतिक संख्यावां दा जोड़। तो टांक दा मतलब हुंदा जिहड़ी संख्या दो दे पहाड़े उपर नहीं हुंदी जिवें 1, 3, 5, 7, 11, 13 ये सारियां की आ टांक संख्यावां। आपां हुण इन्हां दे जदों टांक संख्यावां नूं जोड़ांगे तां इक आपां नूं स्पैशल चीज़ आऊगी। स्पैशल चीज़ किवें आऊगी उह आपां देखो, जिवें आपां इत्थे लिखणा हुंदा कि 2 दी घात 3। आपां नूं पता 2 दी घात दा मतलब की है 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दा घण किन्ना हुंदा 8। जे उह कहिंदे आपां इस 8 नूं मतलब 2 दी घात 3 नूं आपां टांक संख्यावां दे जोड़ दे रूप दे विच लिखणा हुंदा तां किवें लिखदे। इस दे लई इक अपने कोले ट्रिक आ जां इक फॉर्मूला उह तुहानूं याद होना चाहीदा। उह फॉर्मूला अपने कोले की है कि जिहड़ी संख्या दा आपां घण पता करना जां जिहड़ी संख्या नूं आपां टांक संख्यावां दे जोड़ दे रूप दे विच लिखणा उहदे चों इक घटा दो, किन्ना आ गया, दोवां च इक घटाया इक ते उहदे विच इक जोड़ दो तां अगली संख्या कि हैगी 3। हुण जदों उहदे विच्चों इक घटाता तां फिर उसे नाल उहनूं गुणा, तां आपां 2 दा घण पता करना सी, 2 नाल गुणा किन्ना आ गया 2। इसे तरह दोवां दे विच इक जदों जोड़िया 3 आया, इहनूं फिर गुणा इसे नाल ही 2 नाल, 3 दूनी 6, तां आपणे कोले 2 संख्यावां आ जाया करनियां ए इक जोड़ के ते इक घटा के फिर उस संख्या नाल गुणा करके। आपां उह 2 संख्यावां दे विचाले विचाले टांक संख्यावां लिखणियां, मतलब 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਆਊਗੀ, 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਊਗੀ 3 ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ। ਹੁਣ 2-2 ਜੋੜੇ ਚੱਲੋ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਆਈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋੜ 5, 5-ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜੋੜੇ 7, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ 2 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰ 6 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ। 7 ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਆਹੀ 2 ਸੰਖਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਦੇਖੀਏ 3 ਤੇ 5 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 8, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਦਾ ਘਣ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 8, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 8 ਆ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਇਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 4 ਦਾ ਘਣ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, 4 × 4 = 16, 16 × 64 64 ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਂ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ 4 ਚੋਂ 1 ਘਟਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3, ਫਿਰ ਇਸੇ ਨੂੰ 4 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 12। ਹੁਣ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 5, ਇਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ ਫਿਰ ਇਸੇ ਨਾਲ 4 ਨਾਲ, 4 × 5 = 20, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਆਊਗੀ 13 ਜੋੜ 13 ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 2-2 ਜੋੜੀ ਚੱਲੋ, 13 × 2 = 15, ਫਿਰ 2 × 17 ਜੋੜ, ਫਿਰ 2 × 19, ਫਿਰ 2 × ਕਿੰਨਾ ਬਣਨਾ ਸੀ 21, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 20 ਤੋਂ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਛੋਟਾ, 19 ਤੱਕ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਬਣੂਗਾ, 64 ਹੀ ਬਣੂਗਾ। ਤੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਘਣ ਨੂੰ
टांग संख्यावां दे जोड़ दे रूप दे विच लिखो। आपां सिंपल काम करना, एक उहदे विचों घटा देना, एक उहदे विच जोड़ देना, ठीक है, तो उस नाल ही उहनूं गुणा कर देनी है जिहड़ी संख्या दा आपां घन दसना होवे, ठीक है। दो संख्यावां आ जाणगियां उहनां दे विचाले विचाले आपां टांग संख्यावां लिख लेणगियां, उहनां दा विचाले पा देना जोड़ दे चिन्ह, उह आपणा की आजूगा आंसर आजूगा। नैक्सट दूजा जिहड़ा आपणे कोल कंसैप्ट हैगा, दूजा कंसैप्ट बनता कि दो लगातार संख्यावां, दो लगातार घन संख्यावां दी घटाओ, घन संख्यावां दी घटाओ दी घटाओ। तो यह कंसैप्ट का मतलब की आ, देखो जे वह कहें कि आपां इत्थे लिखिया हुंदा कि तीन की घात तीन घटाओ दो की घात तीन, हुण दो लगातार वह कहिंदे घन वालियां संख्यावां आ गईआं, आपां नूं पता दो ते तीन की है दोनों लगातार, तो जदों आपां इन्हां दी कहिंदे आपां घन दित्ते वी मतलब घात तीन का मतलब की है घन, आपां इन्हां दी घटाओ करनी आ, तां घटाओ किवें करांगे, पहलां तीन का घन करना पऊगा, तीन का घन किन्ना हुंदा, तैंती है नौ, नौ ती सताई, इस तरह दो का घन आपां पहले ही लिख के हटे अठ, तो सताइया दे विचों जे आपां अठ माइनस करांगे किन्ना आजूगा उन्नी। एक तो कहिंदे आ तरीका, दूजा तरीका जिहड़ा आपां वरतना हैगा वह की आ, वह कहिंदे कि सब तो पहला तो एक लिख लो फिर पा दो जोड़, हमेशा आ एक तो लिखना ही लिखना, ठीक है। फिर वह कहिंदे जिहड़ियां दो लगातार संख्यावां उन्हां दी गुणा लिख दो, तां पहली संख्या तीन आ दूजी दो आ, इतों बाद जिहड़ियां वह दो आपां संख्यावां लिख लईआं उहदी गुणा आपां हमेशा करवाउणी आ तीन नाल, तो आहा वाला इत्थे एक जोड़ आ जिहड़ियां दो संख्यावां दी आपां घटाओ पता करनी वह लिखणगा गुणा नाल तीन, यह तो हमेशा तीन नाल ही गुणा आपां करनी आ। हुण सब तो पहला आपां की करांगे गुणा अलग करदे आ, तो पहला एक जोड़ उस तरह तो गुणा की इहनू तीन नू दो नाल, तीन दूनी छे, छे नू फिर तीन नाल की छे तीए अठारह, तो एक जोड़ अठारह बन गया, एक च अठारह जोड़े उन्नी। तुसीं देख के हैरान होवोगे कि आह वाला जिहड़ा आपां पैटर्न लाया इहदे नाल भी आंसर किन्ना आया उन्नी, तो जे आप वैसे हल किया भी आंसर सीगा उन्नी। तो पैटर्न की आ ध्यान नाल देख लो, जे अपने कोले दो लगातार घन संख्यावां दित्तियां जिवें आ लगातार सी, आपां पहला एक लिखना फिर जोड़, मन के चलो अपने कोले दो संख्यावां ए अते बी सी, वी ए दी घात तीन घटाओ बी दी घात तीन, तो आपां की करना हैगा एक जोड़ ए गुणा बी, इन्हां दोनों की गुणा नाल गुणा बाद च करा देनी है तीन नाल, तो सब तो पहला आपां तिन्नां दी गुणा करनी है, जिहड़ा आंसर आ गया उहदे विच एक आ जिहड़ा जोड़ देना, ठीक है। तो यह सी अपना कंसैप्ट नंबर दो। इस तो लास्ट वाला कंसैप्ट जिहड़ा इस अपने अभ्यास दे विच काम आउणा वह हैगा अभाज गुणन खंड अते पूर्ण घन, भाज गुणन खंड अते पूर्ण घन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यह अपने कोले टॉपिक आ, ते अभाज गुणन खंड तुसीं पहला भी बनाउणे सिखे सी। देखो आपां कहा सी कि कोई भी संख्या जे आपां नूं दित्ती आ उहदे आपां अभाज गुणन खंड का मतलब की आ, अभाज संख्यावां नाल उहदे गुणन खंड बनाउणे आ, अभाज संख्यावां नाल गुणन खंड। मन के चलो इस दी एग्जाम्पल आ कि आपां बत्ती दे गुणन खंड बनाउणे हुंदे, तां अभाज गुणन खंड आपां इहदे किवें बणावांगे, सब तो पहलां आपां चैक करदे हुंदे आ दो दे पाड़े ते, तो सोलह आजूगा, फिर दो दे पाड़े ते अठ आजूगा, फिर दो दे पाड़े ते गया चार आजूगा, फिर दो दे पाड़े ते गया दो आजूगा, दो एकम दो आजूगा, ठीक है। इस तरह हुण अभाज संख्यावां तुहानू याद होणियां चाहीदियां किहड़ियां किहड़ियां सीगा, दो तीन पंज सत्त ग्यारह तेरह सतारह उन्नी तेई, इस तरह अगे दी अगे चलदियां जांदियां। तो इन्नियां कि तुहानूं तीह तक घट्टो घट्ट या पच्ची तक ये संख्यावां याद होनियां चाहीदियां कि इन्हां दे पहाड़े दे उपर आपां संख्यावां देखणियां वी किहड़े पहाड़े उपर किहड़ी संख्या आउंदी आ। तो थोड़ा जिहा तुहानूं पिछला क्लीयर रिवाइज़ कर लईए कि दो दे पहाड़े ते उह संख्या आउंदी हुंदी आ जिस संख्या का जो इकाई अंक आ लास्ट वाला अक्षर आ उह जां तां होवे जीरो दो चार छे जां अठ। इत्थे आपां लिख भी दिंदे आ कि दो दे पहाड़े ते उह संख्या आऊगी जिस दा इकाई अंक मतलब लास्ट वाला अंक जां तां होवे जीरो दो चार छे जां अठ।
इस तरह तीन के पहाड़े पर जे आप चेक करना हो कोई संख्या जाती कि नहीं जाती आप करा उस अंकों का जोड़ आ जोड़ा वो की होना चाहिए तीन के पहाड़े पर आए भाग तीन का मतलब की है तीन के पहाड़े पर आए। इस तरह जे कोई संख्या पांच दे देखनी है भी पांच दे पहाड़े पर आती है कि नहीं आती तो उसका आप इकाई अंक देखना मतलब लास्ट वाला अक्षर जो जीरो चाहिए चाहिए पांच तो जे गांह वाली संख्यावां आपां नूं चैक करन दी लोड़ पवे तो आप भाग करके देख लिया करांगे जे तो अपना आंसर आ गया भाग करके बाकी जीरो फिर तो वह उस पहाड़े पर संख्या आ गई नहीं तो नहीं आई। तो हुण इहदा संबंध पूर्ण घन नाल की आ उह कहिंदे जदों जिवें आपां गुणन खंड बना ले दो दो दे जां कोई एक संख्या दे पूर्ण घन कदों बनूगा पूर्ण घन संख्या उदों बनूगी जदों हरेक गुणन खंड हरेक गुणन खंड दे तीन तीन दे जोटे बन गए जां जोड़े बन गए की बन गए हरेक गुणन खंड दे तीन तीन दे जोड़े बन गए जिवें जे हुण आ दो सी दो दे तीन जोड़े आह बन गए ठीक आ पर इत्थे जोड़े किन्ने रह गए हुण दो दे दो ही रह गए आपां नूं की चाहिए जिहड़ा भी गुणन खंड आपां लिया उहदे हरेक दे किन्ने चाहिए आ तीन तीन जोड़े तो मतलब कि आपां इत्थे इह लिख दांगे कि बत्ती पूर्ण घन नहीं है पूर्ण घन नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि इहदे तीन तीन दे पूरे जोटे जिहड़े नहीं बनते पए तो यही आपां बस देखना सी अभाज गुणन खंड बना लिया करांगे जे तां तीन तीन दे पूरे जोटे आ गए सारिया दे फिर तो पूर्ण घन है जे ना आए तो लिख देंगे कि यह पूर्ण घन संख्या नहीं है। नैक्सट हुण देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर एक हुण देखते अपना सवाल नंबर जो एक आ ये लिखा कि हेठ लिखिया संख्यावां नूं क्रमवार टांक प्रकृतिक संख्यावां दे जोड़ दे रूप दे विच लिखो तो टांक संख्यावां लगातार दा मतलब यही आ कि जिहड़ा आपां कंसैप्ट नंबर एक कीता सी कि सब तो पहला ट्रिक की कीता सी उहदे विच्चों एक घटा दो उसे नाल गुणा फिर एक जोड़ दो ते फिर उसे नाल गुणा तो जिहड़ियां दो संख्यावां आ गईआं इन्हां दे विचाले विचाले आपां टांक संख्यावां लिख के ते उहनां दा जोड़ लिख देना बस यही आपां इहदे विच कम करना। तो सब तो पहला अपने कोल भाग इहदे विच हैगा पहले दा पहला भाग कि सत्त दी घात तीन मतलब सत्त दा घन तो सत्त दा घन आपां देखना तो सब तो पहला आपां की करांगे सत्त चो एक घटा देंगे किन्ना आजूगा छे इहनूं सत्त नाल गुणा सत्तू छीक बयाली हुण इहदे विच एक जोड़ दिंदे आ किन्ना बन गया अठ फिर इहनूं सत्त नाल गुणा अठू सात छपंजा तो हुण आपां बयाली तो बाद अगली संख्या किहड़ी आ तरताली जिहड़ी कि टांक आ तो तरतालियां दे विच हुण दो जोड़ो आपां छपंजा तक जाणा ठीक है छपंजा तो अगे नहीं जाना बस तो तरतालियां दे विच दो जोड़े पंताली विच फिर जो दो जोड़े संताली फिर उनंजा इस तो बाद इकवंजा फिर तरवंजा फिर पचवंजा इस तो बाद आऊगा सतवंजा वो नहीं आपां लिखना क्यों नहीं लिखना क्योंकि आपां छपंजा तक ही लिखनिया सी संख्यावां तो हुण देखो आपां पता सत्त दा घन किन्ना हुंदा तीन सौ तरताली जे तुसीं आ सारिआं दा जोड़ करके भी देखोगे तो बकायदा वह भी किन्ना आऊगा तीन सौ तरताली आऊगा बस इस तरह आपां इन्हां नूं लिखना सी। तो अगले सवाल दे विच हैगा अठ दा घन तो बिल्कुल उही तरीका पहला अठ चो एक घटा दिंदे आ किन्ना आ गया सत्त हुण अठ नाल इहनूं गुणा कर दो तो सत्तू आठ छपंजा इस तरह हुण अठ दे विच एक जोड़ दिंदे आ किन्ना आऊगा नौ फिर इहदी अठ नाल गुणा तो नौ अठ बहत्तर तो हुण बहत्तर तक आपां संख्यावां लिखणियां कित्थों छपंजा तो लै के तो छपंजा तो बाद टांक संख्या आऊगी सतवंजा फिर तो बस इन्हां दे विच दो दो जोड़ी चलने आपां इकाहठ आ गया इस तो बाद तरेंठ फिर आजूगा पैंठ फिर सताहठ फिर उनहत्तर फिर जोड़ इकहत्तर ठीक है इस तरह तो इस तो बाद नहीं आपां लिखना क्योंकि इकहत्तर तो बाद तां तिहत्तर आना सी वह बहत्तर तो वड्डा हो जाना सी तो हुण आपां नूं पता अठ दा घन पांच सौ बारह हुंदा तो जे तुसीं आह सारियां संख्यावां दा जोड़ करोंगे यह भी किन्ना आऊगा अपने कोल पांच सौ बारह ही आऊगा। नैक्सट हैगा नौ दा घन तो इत्थे लिख दिंदे आ नौ दे विच जे आपां एक जोड़ांगे बन जूगा दस नौ नाल गुणा करांगे आजूगा नब्बे
नौवां दे विच्चों एक घटावे आजूगा अठ, अठ नूं नौ नाल गुणा कीती अठू नौवां बहत्तर। तां बहत्तर तो बाद कीड़ी संख्या हुंदी है तिहत्तर, तो आपां लिखना हैगा नब्बे तक टांग संख्यावां। तिहत्तरां दे विच दो जुड़े पचहत्तर, फिर सतत्तर, फिर उनासी, इक्यासी, इस तरह तिरासी, फिर पचासी, सतासी ते उनानवे। हुण आपां नूं पता कि नौ दा जो घन आ उह कदे बराबर हुंदा सत्त सौ उन्ती दे, तां सारियां संख्यावां दा जोड़ करांगे उह वी किन्ना बणूगा सत्त सौ उनतवी बणूगा। तो ये सी अपने पहले दे तीन भाग। नैक्सट आ गया सवाल नंबर अपना दो। तो सवाल नंबर दो दे विच लिखिया कि हेठ दित्तियां दा ढुकवें पैटर्न अनुसार मुल पता करो। तो पैटर्न आपां पहले ही लभ्या होया, पैटर्न आपां की लभ्या होया कि जे अपने कोले दो लगातार घन संख्यावां दी आपां घटाओ करनी आ तां सब तों पहलां आपां एक जोड़ लिखना, फिर वह दोनों संख्यावां दी गुणा, ते उन्हां दी गुणा किहदे नाल करवाउणी आ फिर तीन नाल। तो सब तो पहले आप गुणा कर लिया करा इन तिना की जोड़ा आंसर आ गया वो एक जोड़ के वो की होगी उन्होंने घटाओ का आंसर। तो लिख लें पहला सवाल अपना। तो दूजे का पहला भाग हैगा बारह की घात तीन घटाओ ग्यारह की घात तीन। ठीक है, तो करते हैं आप इस सवाल में। हुण आपां नूं पता पहला एक लिखना, फिर जोड़ इन्हां दोनों की गुणा बारह गुणा ग्यारह, तो फिर इन्हों की गुणा आप तीन नाल करवानी है। तो सब तो पहला एक जोड़ तो उस तरह ही हूँ तिना की गुणा करवानी है। आप तो सब तो पहला आप बारह की गुणा ग्यारह नाल कर दिए तो कि आजूगा दो एकम दो एक एकम एक, दो एकम दो एक एकम एक, तो दो दो तो एक तीन एक सौ बत्ती। तो हम एक सौ बत्ती की गुणा फिर आप कि करेंगे तीन नाल गुणा तीन, तो दो तीए छे, तीन तीए नौ, तीन एकम तीन, तो कितना आजूगा इतने अपने को तीन सौ छियानवे। तो ये एक जोड़िया कि बन गया तीन सौ सतानवे। मतलब जे आप बारह का घन करता तो वो ग्यारह का घन करके घटाता तो आंसर कि आना अपना तीन सौ सतानवे। इस तरह इसका भाग नंबर दो, भाग नंबर दो देगा भी की घात तीन घटाओ उन्नी की घात तीन। तो सब तो पहला आप लिखा एक जोड़ हूँ आ दोनों की गुणा, मतलब भी जोड़ उन्नी गुणा उन्नी, फिर इन दोनों की गुणा तीन नाल। तो सब तो पहला आप इन की गुणा करिए, तो पहला भी की गुणा आप उन्नी नाल, जीरो नौ दूनी अठारह गुणा जीरो दो एकम दो, तो जीरो अठ तीन किन्ना आजूगा तीन सौ अस्सी। फिर यदि गुणा कि तीन सौ अस्सी की आप करनी हैगी है तीन नाल, जीरो अठ ती है चौबी दो गए हंसल, तीन ती है नौ, नौ तो दो ग्यारह, तो कि आजूगा ग्यारह सौ चाली। तो एक जोड़ ग्यारह सौ चाली, तो हूँ पता अपन जे आप ग्यारह सौ चालिया के एक जोड़ा तो कि बन जूगा ग्यारह सौ इकताली। तो हुण जे आपां 20 दा घन ते उहदे विच्चों 19 दा घन घटाओ कर दांगे तां आंसर अपना किन्ना आउणा 1141। तीजा इसका भाग हैगा कि 51 दा घात 3 50 दी घात 3, बिल्कुल उस तरह पहला एक फिर जोड़ इन्हां दोनों की गुणा 51 गुणा 50 फिर गुणा नाल 3 दे। तो सब तो पहला हुण आपां 51 की गुणा किहदे नाल करनी है 50 नाल, तो कि आजूगा जीरो जीरो पांच एकम पांच, पांच पांच पच्ची, तो जीरो पांच पांच दो, तो 2500 आ गया 50। हुण 2550 नूं आपां की करना हैगा तीन नाल गुणा, तो जीरो पांच ती है पंद्रह एक गया हंसल, तीन पांच पंद्रह तो एक सोलह तो एक गया हंसल, तीन दूनी छे तो एक सत्त, तो कितना आ गया अपने कोले एक जोड़ छिहत्तर पंजा। तो छिहत्तर पंजा दे विच एक जोड़ांगे कितना बन जूगा छिहत्तर इकवंजा। इसका मतलब जे आपां 51 दा घन करांगे फिर 50 दा घन करांगे तो दोनों की घटाओ की आंसर अपने कोले कितना आना छिहत्तर इकवंजा। तो ये सी अपने कोले पहले दो सवालों के तीन तीन भाग। हुण नैक्सट देखते हैं इसका सवाल नंबर तीन।
तो अगे अपने को आ गया सवाल नंबर 3 कि हेठ लिखियां विच्चों केड़ियां संख्यावां पूर्ण घन हन ये दसना आपां। तो आपां करके हटे सी कि जदों आपां पूर्ण घन संख्यावां देखणियां तां आपां उन्हां दे की करिया करने आ भाज गुणनखंड बना लिया करने आ। जे तां हरेक गुणनखंड दे 3-3 दे जोटे बन गए फिर तां उहनूं आपां कह दिया करांगे कि वह पूर्ण घन हैगा। जे 3-3 दे जोटे ना बने तां आपां लिख दांगे कि वह वाली संख्या पूर्ण घन नहीं है। तो अभाज गुणनखंड बनाउण दा तुहानूं तरीका दसता सी कि आपां आ वालियां संख्यावां 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 इस तरह अगे दी अगे इह चलदे जांदियां हुंदियां। इन्हां ते आपां देखणा वी अपनी संख्या भाग हुंदी कि नहीं हुंदी। तां इह देखण दा शॉर्ट ट्रिक वी आपां कर लिया सी 2, 3 ते 5 दे पहाड़े उपर। तो इह तुहानूं क्लीयर होना चाहीदा। तां हुण आपां ना देखदे हां कि अपना फस्ट इस दा सवाल की है तीजे दा। तो तीसरे का भाग नंबर 1 हैगा कि 225 आपां देख के दसना भी पूर्ण घन संख्या है जां नहीं है। तो इहदे लई आपां नूं की करना पैणा 225 दे गुणनखंड बनाउणे पैणे आ। तो आपां लाइन लगा लैने आ ते इत्थे आपां लिख लैने आ 225। सब तो पहला 2 दे पहाड़े ते आपां देखणा क्योंकि 2 अभाज संख्या। आपां कहा सी 2 दे पहाड़े लई लास्ट वाला अक्षर की चाहीदा 0, 2, 4, 6 जां 8 पर इत्थे की है 5। इहदा मतलब यह संख्या 2 दे पहाड़े ते नहीं आउणी। इस तों बाद देखणा 3 दा पहाड़ा। 3 दे पहाड़े उपर यह संख्या आऊगी क्योंकि उहदे विच आपां देखणा अंकां दा जोड़। तो अंकां दा जोड़ देखिए, दोवां दे विच 2 जोड़े 4, 4 च 5 जोड़े 9। हुण 9 3 दे पहाड़े ते आ गया, इहदा मतलब 225 वी 3 दे पहाड़े ते आऊगा। कित्थे जाके आऊगा वो आपां देख लैने आ भाग करके कि 225 नूं आपां भाग करनी हैगी 3 नाल। तां पहलां जाऊगा 7 3 21, 1 बाकी बच गया, 5 कैरी गया। इस तों बाद 5 3 15 तो 0। जदों आपणे कोले बाकी 0 आ जाए इसका मतलब यह हुंदा कि संख्या पूरी पूरी भाग हो गई आ। तो 3 दे पहाड़े उपर आपां डिवाइड कीता 3 मूहरे, आंसर किन्ना आया 75। इस तों बाद 75 नूं आपां देखणा हुण 3 दे पहाड़े ते, तां इहदे अंकां दा जोड़ करीए 7 दे विच 5 जोड़े 12। आपां नूं पता 12 3 दे पहाड़े ते आउंदा, तां करके हुण 75 वी 3 दे पहाड़े ते आऊगा। तां कित्थे जा के आऊगा उह आपां भाग करके देख लैने आ। पहलां जाऊगा 3 2 6, 1 बाकी बच गया, 5 थल्ले, फिर जाऊगा 5 3 15। तो हुण 15 दे विच्चों 15 घटावांगे बाकी किन्ना आ गया 0। इहदा मतलब पूरा पूरा भाग इह हो गया। तो 25 ते जाके होया। हुण 25 दे अंकां दा जोड़ 2 ते 5 7। आपां नूं पता 7 आ जिहड़ा 3 दे पहाड़े उपर नहीं आउंदा, इस लई आपणा 25 वी 3 दे पहाड़े उपर नहीं आउणा। 3 तों बाद देखणा 5 दा पहाड़ा। तो आपां नूं पता 5 दे पहाड़े दे विच तां 25 आउणा ही आ, 5 5 25, ठीक आ। हुण 5 आपदे पहाड़े ते आजूगा 5 5 5। जदों इत्थे 1 आ गया उदों आपां रुके आना। तां हुण इहदे विच आपां देखो वी 3 दे किन्ने जोटे बणे आ, 2 जोटे, ठीक आ। 5 दे वी किन्ने आ, 2 जोटे, 2 जोड़े बणे आ इहदे वी। इहदा मतलब आपां लिख दांगे कि 225 पूर्ण घन नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं है क्योंकि जिहड़े इहदे अपने कोले, क्योंकि इस दे गुणनखंड दे जिहड़े आपां गुणनखंड इस दे बनाए आ, गुणनखंड दे 3-3 दे जोड़े आ जिहड़े नहीं बनते पए, 3-3 दे जोड़े नहीं बनते। बस यही चीज़ आपां दसनी सी वी इह पूर्ण घन है जां नहीं है। नैक्सट हुण देखदे हां इसका भाग नंबर। नैक्सट अपने कोल इस दे भाग नंबर 2 दे विच संख्या हैगी आ 10 648। तो यह भी आपां दसना पूर्ण घन है जां नहीं है। तो इहदे लई वी आपां नूं इस दे गुणनखंड बनाउणे पैणे आ। तो आपां पहलां एक लाइन ला लैने आ, इत्थे लिख लैने आपां 10 648। तो सब तो पहला आपां 2 दे पहाड़े ते उपर देखणा। आपां नूं पता इसका लास्ट वाला अक्षर 8 आ। तो जे किसी संख्या का लास्ट वाला अक्षर 2 दे पहाड़े ते आ जाए इहदा मतलब वो सारी संख्या ही 2 दे पहाड़े ते आउंदी आ। तां 2 दे पहाड़े ते कित्थे जाके आऊगा ये चैक करन वास्ते
आपां 10648 नूं भाग कर दिंदे आ दो ते, पहला जाऊगा 5 × 10 0, 6 कैरी आ, इस तों बाद 2 × 3 = 6 0, 4 कैरी गया, फिर आजूगा 2 × 4 0, फिर 8 कैरी गया, इस तों बाद 4 × 8, तो बाकी आ गया 0, इहदा मतलब पूरा पूरा भाग हो गया। आंसर किन्ना आया 53/24। तां लिख दिंदे आपां इत्थे वी 2 दे पहाड़े ते इहनूं आपां भाग कीता ते किन्ना आया 5324। नैक्सट आन 5324 दा लास्ट वाला अक्खर 4 आ, मतलब ये भी 2 दे पहाड़े उपर जाऊगा, कित्थे जाके जाऊगा वह देखने वास्ते इहनूं वी आपां भाग कर दिंदे आ 2 नाल। तां 2 नाल भाग कीता, पहला गया अपने कोले 2 × 4 1 बाकी बच गया 3 थले, फिर आजूगा 6 × 12 फिर 1 बाकी बच गया, फिर आऊगा फिर 2, फिर 6 × 12 फिर अपने कोले बाकी रह गया कला 4, तो आपनूं पता 2 × 2 किन्ने हुंदे आ 4, तो बाकी 0 आ गया, इहदा मतलब पूरा पूरा वंडिया गया, इह किन्ने ते गया इह 2662 दे उपर। हुण 2662 दा वी लास्ट वाला अक्खर 2 आ, मतलब इह वी 2 दे पहाड़े उपर जाऊगा, तां फिर आपां कर दिंदे हुण भाग अपना 2662 नूं 2 नाल, तां पहला जाऊगा अपने कोल इह 2 × 2 0 6 थले, फिर जाऊगा 3 × 6 0 फिर 6 थले, फिर जाऊगा 3 × 6 0 हुण आ गया 2 कैरी, तां इस तों बाद 2 × 2 तो किन्ना आ गया अपने कोले 2 नाल भाग करके 1331। तो हुण इस दा लास्ट वाला अक्खर हैगा 1, तां आपां नूं पता है 2 दे पहाड़े उपर तां नहीं जाणा, 2 तों बाद देखणा 3 दा पहाड़ा, तो 3 दे पहाड़े ते देखण लई अंकां दा जोड़ करना पैणा आपां नूं, तो 1 दे विच 3 जोड़िया 4, 4 च 3 जोड़े 7, 7 च 1 जोड़िया 8, तो 8 3 दे पहाड़े उपर नहीं आउंदा, इस दे लई आपां कह दांगे कि इह 3 दे पहाड़े उपर नहीं जाणा। इस तों बाद 5 दा पहाड़ा, 5 दे पहाड़े उपर संख्या लई लास्ट वाला अक्खर जां तां चाहीदा 0 जां चाहीदा 5, पर इहदा लास्ट वाला अक्खर की है 1, तो 5 दे पहाड़े उपर वी इसने नहीं जाणा। नैक्सट आ गया 7 दा पहाड़ा, तो 7 दे पहाड़े ते चैक करन लई आपां नूं इहनूं 7 नाल भाग ही करके देखना पैणा 1331। तां पहला जाऊगा 7 × 7 6 बाकी बच गए 3, इस तों बाद आपां नूं पता 9 × 7 = 63 0 1, तो इहदे विच अपने कोले बाकी किन्ना बच गया 1, मतलब इह 7 नाले पहाड़े दे उपर वी पूरा पूरा भाग नहीं होया। नैक्सट देखना हुंदा 7 तों बाद 11 दा पहाड़ा, तो लिख दिंदे इहनूं आपां 1331 11 दे पहाड़े ते। तां सब तों पहलां 11 × 11 2 बाकी बच गए 3 कैरी गया, इस तों बाद 11 × 2 = 22 ठीक आ, 1 बाकी बच गया, 1 फिर थले आ गया, तां 11 × 11 हुण 11 च जे आपां 11 घटावांगे तां किन्ना आजूगा 0, इहदा मतलब इह 11 नाल पूरा पूरा भाग हो गया। आंसर किन्ना आया 121। नैक्सट आपां नूं पता हुण 121 फिर 11 दे पहाड़े ते आउंदा हुंदा, तो 11 × 11 किन्ने हुंदे 121, ते फिर 11 कल्ला आपदे पहाड़े ते आऊगा 11 × 11। तां हुण इहदे जोटे देखिए, 2 दे वी अपने कोले 3 जोड़े बण गए आ ते 11 दे वी बण गए आ 3 जोड़े, इहदा मतलब आपां इत्थे लिख दांगे कि इह वाली संख्या जो पूर्ण घन है। तो जे आपां इह दसणा होवे कि इसका घन मूल की है पूर्ण, वह की आऊगा, इहदे चों 1 2 लै लो, इह चों 11 लै लो, दोनों की गुणा करा लो, किन्ना बन गया 22। इहदा मतलब जे आपां 22 का घन कर दईए तो किन्ना बनूगा 10648। नैक्सट देखते हैं इसका भाग नंबर 3, अगे भाग नंबर 3 दे विच हैगा 1125, तो इहदे वी आपां बिल्कुल उस तरह गुणनखंड ही बना के देखने आ, भाज गुणनखंड। तो सब तो पहला तो यह आपां देखांगे 2 दे पहाड़े उपर, तो 2 दे पहाड़े उपर यह संख्या नहीं आनी क्योंकि इसका लास्ट वाला अक्षर की है 5, इस तों बाद 3 दा पहाड़ा,
तो अंकों का जोड़ करिए एक ते एक दो दो ते दो चार चार ते पंच नौ इहदा मतलब इस दे अंकों का जोड़ नौ आ जो कि तीन दे पहाड़े ते आउंदा इसलिए 1125 भी तीन दे पहाड़े उपर जाएगा। तो देख लैने आपां कित्थे जाके आऊगा, पहला जाऊगा 33 9, दो बाकी बच के, दो फिर थले, फिर 3 7 21, एक बाकी बच गया, 5 कैरी गए, इस तो बाद 5 3 15 तो कि आजगा अपने को 3 नाल इसनू भाग किया 375 आ गया। हुण 375 दे अंकां दा जोड़ करांगे, 3 दे विच 7 जोड़े 10 10 च 5 जोड़े 15, तो 15 भी 3 दे पहाड़े उपर आउंदा इसलिए 375 भी 3 दे पहाड़े उपर जाऊगा। पहला जाऊगा 3 1 3, फिर 0 रह गया इत्थे, फिर 7 आया, फिर 3 2 6, एक बाकी बच गया, 5 कैरी गया, इस तो बाद 5 3 15 तो किन्ना आजूगा अपने कोले 3 नाल इसनू भाग किया 125। हुण 125 दे अंकां दा जोड़ देखांगे तां 1 दे विच 2 जोड़े 3, 3 दे विच 5 जोड़े 8, तो इस दे अंकां दा जोड़ 3 दे पहाड़े उपर नहीं आउंदा, तो इस तो बाद देखना 5 दा पहाड़ा, तो 5 दे पहाड़े उपर वह संख्या आउंदी जिस दा लास्ट वाला अक्षर जां तां 0 होवे जां 5, तो इस दा 5 आ, इसलिए इह 125 आ जिहड़ा 5 दे पहाड़े उपर जाऊगा। कित्थे जाके जाऊगा देख लैने, 5 2 10, दो बाकी बच गए, 5 तो 5 5 25, तो 5 नाल जो भाग किया 125 नूं आंसर किन्ना आ गया 25। हुण 25 फिर 5 दे पहाड़े उपर जाऊगा, 5 5 25, 5 आपदे पहाड़े उपर 5 1 5, तो इहदे विच आपां देखिआ 5 दे तां 3 जोटे बन गए आ, पर 3 दे जोटे किन्ने बने, 2 ही, इहदा मतलब इस दे 3 जोटे जिहड़े 3 3 दे नहीं बने। तां इत्थे लिख दांगे कि इह जिहड़ी संख्या इह पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। नैक्सट देखते हैं इसका भाग नंबर 4। चौथे भाग दे विच अपने कोल हैगा 2744, तो इस दे आपां बना लैने आ गुणनखंड। तो आपां नूं पता कि इस दा लास्ट वाला अक्षर आ जो 4 आ, तो यह 2 दे पहाड़े उपर जाऊगा, तो 2 परे नूं भाग पहला करके देख लैने किन्ना आंसर आउंदा। तो 2 नाल भाग किया, 2 1 2, 0 7, फिर 3 2 6, एक बाकी बच गया, 4 फिर थले, फिर 7 2 14, 0 फिर आ गया 4 कैरी, तो 2 2 4, तो किन्ना आ गया है 2 नाल भाग किए तो 1372। इस तो बाद फिर इहनू देखिए आप, इसका लास्ट वाला अक्षर 2 आ, तो 2 दे पहाड़े उपर फिर यह जाऊगा, तो 1372 लिख लें, तो 2 नाल डिवाइड किया, 6 2 12, एक बाकी बच गया, 7 थले, फिर इहनू 3 नाल गुणा करांगे आपां, सॉरी फिर गुणा करांगे 8 नाल, 8 2 16, फिर एक बाकी बच गया, फिर आ गया 2, तो 6 2 12, तो किन्ना आजूगा अपने कोले 2 नाल भाग किए तो 686। फिर इसका लास्ट वाला अक्षर 6 आ, तो यह फिर अपने कोले 2 दे पहाड़े उपर डिवाइड हो सकता, तो 686 नूं 2 नाल भाग करांगे, 3 2 6, 0 8, 4 2 8, 0 6 थले, फिर 3 2 6, 0, तो 2 नाल भाग किया 343। हुण इसका लास्ट वाला अक्षर 3 आ, आपां नूं पता कि 3 2 दे पहाड़े उपर नहीं आउंदा, इसलिए यह 343 भी 2 दे पहाड़े उपर नहीं आना। इस तो बाद देखना 3 दा पहाड़ा, 3 दे पहाड़े वास्ते अंकां दा जोड़ करांगे, 3 दे विच 4 जोड़े 7, 7 3 जोड़े 10, आपां नूं पता 10 भी 3 दे पहाड़े उपर नहीं आउंदा, तो 343 ने 3 उपर भी नहीं जाना। 3 तो बाद देखना 5, 5 लई आपां लास्ट वाला अक्षर जां तां 0 चाहीदा जां 5, पर इहदा तां 3 आ, तो 5 उपर भी नहीं इसने जाना। इस तो बाद देखना 7, तो 7 नाल तां आपां नूं भाग करके देखना पैंदा, तो कर लैने आपां कि पहला जाऊगा 7 4 28, किन्ना रह गया 6, 3 थले, इस तो बाद 9 7 63,
त्रेड़ दे विच्चों त्रेड़ घटावे जीरो, यदा मतलब बाकी जीरो आ गया, सत्त दे पहाड़े उपर यह पूरा पूरा चला गया, कित्थे जाके जाऊगा उनंजा ते। हुण उनंजा दा आपां नूं पता सत्त दे पहाड़े उपर ही हुंदा, सत्तों सत्त ही उनंजा, फिर सत्त आपदे पहाड़े ते सत्त एकम सत्त। तो ये गुणनखंड अपने को बन गए, दो दे भी अपने को तीन जोटे बन गए, सत्त दे भी तीन तीन दे जोटे बन गए। यदा मतलब की होया कि जिहड़ा 2744 आ ਇਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੂਰਨ ਘਣ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਘਣ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਤੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਭਿਆਸ 6.2 ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 6.3 ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ।